गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से गद भाग से पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। ये जो कहानी लिखी गई है ये यशपाल जी द्वारा लिखी गई, मतलब इसके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जी। ये इसके जो लेखक हैं इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठ सच और मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े का की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी सभी कहानियों का संग्रह है और सिंहावलोकन इनकी एक आत्मकथा भी है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी कहानियों का में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता। पैना व्यंग मतलब कटाक्ष व्यंग इनकी कहानियों में मिलता है। अब ये जो आपकी कहानी दी गई है, इस कहानी के माध्यम से कवि जो लेखक हैं हमें वो क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास, ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है और यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर ऐसे देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है और ना ही अवकाश मनाने का अधिकार है। मतलब इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से अमीर और गरीब व्यक्ति में समान प्रकार का दुख हो, लेकिन गरीब व्यक्ति है उसको एक दिन भी दुख नहीं मना सकता और जो अमीर व्यक्ति है वो दिन रात उसी दुख में डूबा रहता है। मतलब समान दुख होने के बावजूद भी गरीब व्यक्ति उस दुख को मना नहीं सकता। अब हम इसको पाठ के माध्यम से समझेंगे। दुख का अधिकार, इस जो शीर्षक है दुख का अधिकार, इस शीर्षक को हम इस पाठ के माध्यम से देखते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। श्रेणियां मतलब होता है दर्जा। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो पोशाक है, पोशाक का अर्थ क्या होता है, पहनावा। हमारी जो हमारा जो पहनावा है वो हमें अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। किस प्रकार, कोई मतलब पहनावे के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये निम्न वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है या ये मध्यम वर्ग का है। तो उसके अलावा कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी भी आती है कि हम निम्न वर्ग के दुख दर्द को समझना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पोशाक है वो हमें नीचे झुकने के लिए मजबूर नहीं कर पाती। मतलब हम नीचे जब हम झुकना भी चाहते हैं तो वो हमें रोक कर रखती है। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। मतलब हम चाहते भी हैं कि गरीबों के दुख को बांटें, उनका साथ दें, लेकिन जो हमारी जो हमारा जो स्तर है, हमारी जो पोशाक है, हमारा जो पहनावा है वो हमें रोक देता है, हमें बंधन यानी बांध देता है और अड़चन बन जाता है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। डलिया का मतलब होता है टोकरी। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने में रखे फफक फफक कर रो रही थी। मतलब एक बूढ़ी औरत टोकरी में खरबूजे लेकर और कुछ बाहर बिखरे हुए थे उसे बेचने के लिए बैठी थी, लेकिन बेचने से की स्थिति में वो थी नहीं, वो अपने घुटने में मुंह छिपाए रो रही थी। अब क्यों रो रही थी इसका कारण जानते हैं।
पड़ोस की दुकान के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें करें, घृणा मतलब नफरत से। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन रही थी। मतलब जो लेखक हैं वो उस बूढ़ी जो औरत थी उसकी व्यथा का कारण जानना चाहता, उसकी परेशानी का कारण जानना चाह रहा था, परंतु उसकी जो पोशाक थी, लेखक की पोशाक, वो उसके बीच में व्यवधान बन रही थी, रुकावट बन रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के के मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब मतलब उस बुढ़िया औरत का रोने का कारण क्या था कि उस बूढ़ी औरत का जवान बेटा मर चुका था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो नफरत से उसे, उस बूढ़ी औरत को देख रहे थे कि अभी तो इसके बेटे को मरे हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और ये यहाँ पर खरबूजे बेचने चली आई है। दूसरी तरफ दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। अब लोग बाग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन उस बुढ़िया के दुख को कोई नहीं समझ पा रहा है कि वो यहाँ पर अपने बेटे के दुख को बुलाकर यहाँ पर खरबूजे बेचने क्यों आ गई है, उसका कारण जानने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के दुख दर्द को तो सुनते नहीं हैं, लेकिन अपने ही राग लापते हैं। उन्हीं में से वहाँ के जो दुकानदार लोग हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, कुछ धर्म ईमान की बात कर रहे हैं, कुछ बेटी बेटा, कुछ रोटी टुकड़े की बात कर अपनी जो मन की भड़ास है उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। अब जो दूसरे दुकानदार और हैं परचून की दुकान पर बैठे लाला जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अगर इनके लिए रोटी टुकड़ा है तो लेकिन दूसरे का धर्म ईमान तो सोचे कि इनके घर में 12 दिन का सूतक लगा है, किसी को अगर नहीं पता है कि इसके घर में सूतक है, वो यहाँ से खरबूजा लेके चला जाए तो उनके ईमान धर्म का क्या होगा। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। मतलब लोग बाग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, उस बुढ़िया के दुख का कोई पूछने वाला भी नहीं है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा, उसके 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। मतलब उसका जो बेटा था, पास में ही कुछ जमीन थी 1.5 बीघा, उसमें कचियारी का अर्थ क्या होता है, जो सब्जी तरकारी जो होता है, सब्जी बोकर और ये जो खरबूजे फल जो बोकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठता और कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेले में से पके खरबूजे चुन रहा था, गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, सांप ने लड़के को ढस लिया। अब जो सुबह सुबह जो पके खरबूजे थे उनको चुन रहा था, उसी गीली तरावट मतलब मेड़ पर मतलब किनारी पर सांप बैठा था और सांप के काटने पर उस लड़के की मृत्यु हो गई। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। अब उसके जो बुढ़िया का बेटा था, उसका बेटे का क्या नाम था, भगवाना। अब जो बुढ़िया माँ है अपने बेटे को सांप के विष से बचाने के लिए झाड़ना फूकना किया है ना, ओझा को बुला लाई और पूजा के लिए जो दान दक्षिणा चाहिए थी उसमें उसके घर में जो भी अनाज और आटा था वो सब कुछ दान दक्षिणा में चला गया। अब उसके पीछे माँ बहू
मतलब जो बच्चे थे, पोता पोती थे, सभी थे, सभी भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, मतलब पूरा जो विष है वो उसके शरीर पर फैल चुका था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब उसका बेटा मर गया है, अब उसे शमशान पहुँचाने के लिए जो क्रिया की जो सामग्री है, अंतिम क्रिया की जो सामग्री है, वो तो अब बुढ़िया को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि आदमी को नंगा जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा नहीं भेजा जा सकता। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंकना ही क्यों ना बिक जाए। अब उसके लिए चाहे उसे कुछ भी बेचना पड़े, लेकिन उसकी जो अंतिम क्रिया है वो तो उसकी माँ को पूरी ही करनी पड़ेगी। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चुनी बुसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे। उनका जो उनके जो बच्चे थे भगवाना के, वो छोटे छोटे बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलखने। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या दे दी। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअनी चुअनी भी कौन उधार देता। अब घर में बेटा जो कमाने वाला था अब वो भी नहीं रहा, तो अब उसे उधार भी कोई नहीं दे सकता। बुढ़िया रोते रोते और आँख पहुँचते पहुँचते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, अब मतलब भगवाना को मरे हुए अभी एक ही दिन पूरा नहीं हुआ, लेकिन बिचार भूख से बिलखते घर वालों को देखते हुए उसने क्या किया, जो खरबूजे थे वो डलिया में डाले और बाजार में बेचने के लिए चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने में टिकाए हुए फफक फफक कर रोती रही थी। उसका जो रोने का मुख्य कारण था वो यही था कि उसके जो बेटा है उसका देहांत हो गया था। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चले आई। हाय रे पत्थर दिल। अब जो लोग बाग हैं वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि लोग बाग मतलब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि कैसा पत्थर दिल है जिसका बेटा चला गया हो, वो आज सौदा बेचने चली आई। लेकिन उन लोगों को उस बुढ़िया के घर की स्थिति नहीं पता कि उसके घर में खाने पीने को अब कुछ भी नहीं है। वो भूखी रह सकती है, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रह सकती। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक यहाँ पर उस बुढ़िया के जो पुत्र की मृत्यु हो गई थी उसी बात को देखते हुए उन्हें याद आया कि उनके घर के सामने एक ऐसी महिला थी जो संभ्रांत महिला थी, संभ्रांत मतलब पैसे वाली महिला थी, उनके यहाँ भी पुत्र वियोग मतलब उसके भी बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अब उसका दुख मनाने का और इस बुढ़िया के दुख मनाने का एक अलग अलग प्रकार था, कि जो पैसे वाले होते हैं उनको दुख मनाने का कैसा अधिकार है, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो किस प्रकार दुख मना सकता है। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी। 2.5 मास मतलब 2.5 महीने तक वह संभ्रांत का अर्थ होता है धनी महिला, 2.5 महीने तक पलंग से ना उठ सकी। और उन्हें 15-15 मिनट बाद ही पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा मतलब बेहोशी आ जाती थी। वह जब जब सोचती कि उसका बेटा मर चुका है तो वह बेहोश हो जाती, और मूर्छा ना आने की अवस्था में आँख से आंसू नहीं रुकते थे। दो दो डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते, हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो जाते। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था, मतलब वो बता रहा है कि पिछले साल मेरे यहाँ पर भी एक महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, और एक महिला ये भी है जिसके भी पुत्र की मृत्यु हुई है, लेकिन ये तो दूसरे दिन ही बाजार में खरबूजा बेचने, इसकी एक अलग मजबूरी है। और एक महिला ऐसी थी जो 2.5 महीने तक पलंग से ना उठे। और लोग बाग भी जो व्यक्ति धनी होता है, संपन्न होता है, उसके दुख को बांटने के लिए आते हैं, लेकिन उस बुढ़िया के दुख को बांटने के लिए कोई नहीं आया। और वहाँ के जो आसपास के जो लोग बाग थे वो भी उसकी तरफ घृणा और नफरत से देख रहे थे।
शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब इस पाठ के आधार पर हम जान सकते हैं कि दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है, दुख का भी एक अधिकार होता है। अगर आपके पास घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, आपके पास सब कुछ संपन्न है, तब तो आप निश्चित रूप से बहुत आसानी से दुख मना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, आप संपन्न नहीं है, तो आपको दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उस दुख को छोड़कर आपको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य ही करना पड़ेगा। धन्यवाद।